हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख पा रहे होंगे ये सारे हमारा गुलदाउदी के पौधे जो हम ग्लास में लगे हुए थे, ये अच्छे से बहुत सेटल हो गए हैं, इसमें रूट्स बाउंड हो गए हैं। अभी इसको हम फाइनल पोटिंग करने वाले हैं। इस वीडियो में आज इसके बारे में ही मैं दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, और साइड में दिए गए बेल आइकन को आप देख पा रहे होंगे। ये सारे हमारा गुलदाउदी के पौधे जो हम ग्लास में लगे हुए थे, ये सारे बहुत अच्छे से लग गए हैं, देख पा रहे होंगे। सारे पौधे कितने हेल्दी और मैच्योर हो गए हैं, सारे में रूट लगभग बहुत अच्छे से बाउंड हो गया है, देख पा रहे होंगे। इसको आज हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं फाइनल पोटिंग में। मैं दिखाता हूँ, चलिए लगाता हूँ इसको। पहले हम सॉइल मीडिया जो उसके लिए प्रस्तुत करने वाले हैं, कैसा सॉइल मीडिया है उसके लिए चाहिए गुलदाउदी फाइनल पोटिंग के लिए, इसके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, ये मैं गार्डन सॉइल लिया हूँ, इसमें मैं बालू मिक्स कर दिया हूँ। दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये मैं गार्डन सॉइल में ऑलरेडी सैंड मिक्स करके लिया हूँ। अगर आप जितने भी पॉट के हिसाब से लें, मैं ये 12-14 पॉट के हिसाब से ले रहा हूँ, 50% गार्डन सॉइल लीजिए और 20-30% इसमें सैंड मिलाइए। उसके बाद ये हमारा भर्मी कंपोस्ट है, आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो वेस्ट डिकम्पोस्ट से बनाया जाता है, वेस्ट वेजिटेबल मटेरियल से ये बनाया जाता है। ये देख पा रहे होंगे, सारे पत्ते और वेस्ट वेजिटेबल से बनाए जाते हैं। ये लिया हूँ, देखिए। उसके बाद मैं इसमें डालने वाला हूँ, देख पा रहे होंगे, ये हमारा काउडंग कंपोस्ट है, पूरा ड्राई हुआ, पूरा सूखा हुआ ड्राई कंपोस्ट, इसको मैं मिलाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों देखिए, मैं जितना रेशियो में आपको बता रहा हूँ, अगर आप उतना रेशियो में लेंगे, सारे मात्रा में अच्छे मात्रा में लेंगे, तो एक पोटिंग मिक्स, अच्छा पोटिंग मिक्स गुलदाउदी के लिए प्रिपेयर होगा। आप विंटर सीजन में इसमें बहुत सारा मात्रा में फ्लावर ले पाएंगे। कि दोस्तों, आपको पूरा काउडंग कंपोस्ट जो लेना है, पूरा सूखा हुआ ड्राई हुआ ही लेना है। और काउडंग कंपोस्ट मिलाने के बाद ये देख पा रहे होंगे, मैं नीम जो पत्ता होता है फर्टिलाइजर, उसको डालने वाला हूँ। दोस्तों आप नीम का फर्टिलाइजर कहीं से भी लाकर यूज कर सकते हैं, नहीं तो घर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरा वीडियो डाला हुआ है। अगर आप ये नीम का फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो जो मिट्टी में फंगस से छुटकारा पा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में फंगस मिट्टी से ही आते हैं, तो इसीलिए आप ज़रूर नीम का फर्टिलाइजर इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे, मस्टर्ड केक पाउडर लिया हूँ। दोस्तों मैं मस्टर्ड केक पाउडर लगभग 14 प्लांट के लिए हिसाब से ही डाल रहा हूँ, आप भी उतने मात्रा में ही डालिए। 5% के लगभग मस्टर्ड केक पाउडर डालिए, चारों तरफ पूरा बिखरा कर डालिए उसको। इतना प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आप पूरा मिट्टी को अच्छे तरह से चारों तरफ से मिला दीजिए, पूरा अच्छी तरह से। मैं अच्छी तरह से सबको पूरा मिला दिया हूँ, बहुत अच्छी तरह से। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आप जो भी सॉइल मिक्स के लिए गार्डन सॉइल जो यूज कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से पहले धूप देकर ही यूज कीजिएगा, क्योंकि धूप देने से उससे उसमें जो भी बैक्टीरिया फंगस वगैरह होंगे सारे मर जाएंगे, उसके बाद ही सॉइल मिक्स में यूज कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये सारा मैं कुछ एक बार, देखिए यहाँ पर मैं एक ही बार पिंचिंग किया हुआ था, इसी में जब लगा हुआ था, कितना ब्रांचेस इसमें निकला हुआ है आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पिंचिंग किया था, लगभग 4 ब्रांच अभी निकल गए हैं। इसी पौधे को देखिए, मैं इसको भी पिंचिंग किया हुआ था, देखिए यहाँ पर पिंचिंग किया हुआ था, इसमें भी कितना 1, 2, 3, 4 इसमें भी 4 ब्रांच निकल गए हैं। मैं सारे को ऐसे एक बार पिंचिंग किया हुआ रखा था, इसके वजह से इसमें भी देख पा रहे होंगे, देखिए इसमें भी पिंचिंग में किया कर दिया था,
इसमें भी कितना ब्रांचेस निकल रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 देख पा रहे होंगे। अभी इतना पौधा अभी लगाने वाला हूँ, मिट्टी भी प्रस्तुत कर दिया हूँ और सारे मेरा जो 10 इंच के पॉट है उसको प्रस्तुत करके रखा हूँ। देखिए ये 10 इंच का हमारा पॉट है, उसमें पहले जो ये आप जो मिट्टी का जो पॉट का टुकड़ा होता है उसको दे दीजिए, ये जो होल होता है उसमें दे दीजिए, जैसे इसके नीचे से जैसे इसको दे देने से अच्छे से वाटर ओवर वाटर ड्रेनेज हो जाएगा। चलिए अभी मैं भर के दिखाता हूँ सारे में। मैं सारे में पहले ये मिट्टी सॉइल भर दे रहा हूँ। मैं इसको लगाने वाला हूँ, इसको ये इसमें लगाने का एक ही मकसद है, इसका जो रूट्स डेवलप करना, इसका जो एक बाउंड रूट होता है उसको इसमें बंडल ऑफ रूट्स लेने का ही मकसद है इसमें लगाना पहला, इसलिए इसको आप इसको काट के ही इसमें निकालिए, मतलब इसका रूट जैसे डैमेज नहीं होना चाहिए। इसको आसानी से आप फाड़ भी सकते हैं, देखिए देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा इसमें रूट्स हो गया है, देखिए आराम से बहुत अच्छे से इसको ऐसे इसको डैमेज नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको, इसे ही फाड़ के निकलना है। तो ये सब करने का एक ही मकसद है, जैसे आप विंटर सीजन आते ही उसमें से एक ही पौधे से आप 150 से 200 फ्लावर ले सकते हैं और आपको गार्डन में इससे फूलों से भर जाएगा, इसीलिए एक ही मकसद है आपका अच्छे से अच्छे सॉइल मीडिया और अच्छे से रूट स्ट्रक्चर बनाना, इसीलिए ज़्यादा आवश्यक है। देखिए दोस्तों इसमें कितना अच्छे से बाउंड हो गया है रूट्स, देखिए यही स्ट्रक्चर ही हमको चाहिए, रूट्स डेवलप करने के लिए ही इसमें लगाया हुआ था। जो प्रोफेशनल गार्डनर होते हैं जिनको अपना जो फ्लावर का पॉट वो एग्जीबिशन वगैरह में डालना रखा जाता है वो तो बहुत स्टेप्स में जाते हैं, फॉलो करते हैं, 2 से 5 इंच, 5 इंच से 8 इंच पॉट में पहले लगाते हैं, 8 इंच के पॉट के बाद 12 इंच के पॉट में भी शिफ्ट करते हैं। दोस्तों मैं इसको अभी निकालने वाला हूँ, बड़े सावधानी से इसको लगा, देखिए दोस्तों कितने अच्छे से इसमें रूट्स लग गया है, देखिए दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पौधे का ग्रोथ भी, देखिए दोस्तों इसका पिंचिंग किया हुआ था, कितने ब्रांच भी डेवलप हो चुके हैं। यही एक कारण है जिसके लिए हम 2 इंच के पॉट से 5 इंच, 5 इंच के पॉट से 8 इंच, 8 इंच के पॉट से 10 इंच में लगाते हैं, रूट्स स्टेप बाय स्टेप डेवलप करने के लिए ही इसका जो ये स्टेप करते हैं। बट मेरे पास इतना पॉट्स अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट 2 इंच के पॉट्स से मतलब ये कागज के पॉट से सीधा फाइनल पॉट में ही मैं ट्रांसप्लांट कर दे रहा हूँ। अगर आपके पास पॉट हो तो आप 2 इंच के पॉट से 5 इंच, 5 इंच के पॉट से 8 इंच, 8 इंच के पॉट से 10 इंच, आप चाहें तो 10 इंच के पॉट के बदले 12 इंच में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। यही रूट स्टेप बाय स्टेप डेवलप करने के लिए ही ये पद्धति अप्लाई किया जाता है। दोस्तों देखिए मैं लगभग 30 गमलों में लगा दिया हूँ ये सारे गुलदाउदी जो मेरे ग्लास के जो कागज़ के ग्लास के अंदर थे, 30 पौधे को लगा दिया हूँ, वहाँ भी और रहे।
देखिए दोस्तों, इसी उसी तरीके से ही सारे को लगाया हूँ। देखिए दोस्तों, इसको अभी हम और दो तीन बार पिंचिंग करेंगे और नवंबर 20 तक इसको रेडिंग कर देंगे फ्लावर के लिए। और भी बहुत सारा है रिपोर्टिंग करने के लिए। देखिए दोस्तों, इतना और अभी भी है, उस तरफ भी है। देखिए दोस्तों, उसी तरीके से मैं सारे को रिपोर्टिंग करूँगा, बड़े गमले में लगाऊंगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल को, और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।